सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, मैथ खेल किसका है? खिलाड़ियों का। आपको मैथ में क्या बनना है? खिलाड़ी बनना है। यूपी पुलिस कांस्टेबल, आरआरबी लोको पायलट टेक्नीशियन, आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए क्लास अति महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि बच्चों मैथ के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और जिनको सोल्व करने में आपको बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इस सीरीज के अंतर्गत मेरा प्रयास ये है 80 से लेकर 90% क्वेश्चनों को बिना फॉर्मूले के, बिना एक्स के मैं सोल्व करा रहा हूँ। ये हमारा चैप्टर नंबर 4 है, औसत का पार्ट 3। इससे पहले मैं आपको 3 चैप्टर कंप्लीट करा चुका हूँ। यदि आपने वो चैप्टर सॉल्यूशन नहीं देखा है ट्रिकी अप्रोच वाला, एक बार जाकर जरूर देखिएगा, क्योंकि मैथ के क्वेश्चन सोल्व करना तो सभी से आता है लेकिन समय बहुत ज़्यादा ले लेते हैं। कुछ स्टूडेंट तो 25 क्वेश्चन सोल्व करने में 30 मिनट 35 मिनट 40 मिनट तक ले लेते हैं। मेरा प्रयास 25 क्वेश्चनों को 20 मिनट में सोल्व कराना आपका है। यदि आपकी मैथ की तैयारी जबरदस्त है तो इस सीरीज के अंतर्गत आपको मैथ के क्वेश्चनों को सोल्व करने के 8 से 10 कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे, जो समय आपका एग्जाम में बहुत ज़्यादा बचाएंगे। इसी क्लास से आपको आगामी एग्जाम में क्वेश्चन जूके तो देखने को मिलेंगे। क्लास स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसके लिए सिर्फ आपसे बच्चे जोड़ घटा गुना और भाग अच्छी तरीके से आना चाहिए, देखो इतना तो जरूरी है। क्वेश्चन सोल्व कैसे करते हैं? सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ना सीखना है, सोल्व करते हुए चलना है। यदि 50 श्रमिकों का औसत 100 रुपये है, 50 का 100 है गुना 100, 5 एकम कितना होता है 5, 3 जीरो आगे बढ़ा दे 5000 हुआ। उनमें से 30 का औसत 120 है, 30 गुना 120, 12 की 36, 36 हुआ 2 जीरो आगे बढ़ा दे, पूछा गया है। तो शेष श्रमिकों का औसत बताओ, तो शेष श्रमिकों का औसत बताओ भाई। 50 का तो था आपका 100, 5000 में से 3600 हटा दें, कितना बचा 1400। ये 50 थे, ये 30 है, कितने का बचा ये 20 का, बटे 20 कर दो, 0 से 0 140 से 2 से 140 कितनी बार करते हैं 70 बार, 70 आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, सभी जो आपके क्वेश्चन हैं TCS के न्यू पैटेंट पर आधारित हैं, जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जिनको सोल्व करने में प्रॉब्लम होती है कि स्टार्ट कहाँ से करें सोल्व करना। जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एक व्यक्ति का खर्च फरवरी तथा मार्च प्रत्येक महीने 5000 रुपये बढ़ गया, यदि जनवरी में उसका खर्च 5000 रुपये था तो उसका जनवरी से मार्च तक का औसत खर्च बताओ। बच्चों जनवरी में कितना का है 5000, 5000 रुपये बढ़ रहे हैं, फरवरी में कितना हो जाएगा 10000, मार्च में कितना हो जाएगा 15000, कुल कितना हुआ 30000, कितने का है 3 महीने हुआ, कितना आ जाएगा औसत खर्च 10000, 10000 राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। इस बात का ध्यान देना है, ऑप्शन नंबर ए मत लगाकर आ जाना एग्जाम में, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। एक ऑप्शन नंबर ए सिलेक्ट करने का मतलब आपने आंसर 7500 लगाया है। अब ये देखो 10000 जो ए है कौन से नंबर पर है, सर तीसरे पर है, तो आप तीसरा ऑप्शन क्लिक करोगे। क्वेश्चन नंबर 3, ये आपका क्वेश्चन ये सेम रिपीट है, ये बच्चों नहीं सेम नहीं अलग है। एक व्यक्ति का खर्च फरवरी तथा मार्च में के महीनों में 50000 रुपये बढ़ गया, यदि जनवरी में उसका खर्च 50000 रुपये है तो उसका खर्च आपका जनवरी से मार्च तक औसतन कितना होगा। सेम क्वेश्चन यही है, क्या करोगे बच्चों 10000 था 5000, पहले तो आपको 50000 था, फिर 1 लाख होगा, फिर 1.5 लाख होगा, क्लियर है। जब इनको सभी को जोड़ दोगे ये आपका कितना आ जाएगा 3 लाख आ जाएगा, 3 लाख को 3 से भाग करोगे तो 1 लाख आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर ही, ऑप्शन नंबर ए जो है बी पर है, नंबर 2 पर है, राइट आंसर होगा आपका 2 ऑप्शन नंबर ए 1 लाख। क्वेश्चन नंबर 4, एक आदमी का औसत खर्च पहले 5 महीने का 1200 रुपये है, जैसे कहते हैं वैसे करते चलेंगे, 5 महीने का 1200, 12 पंजे 60, 60 तो लिखोगे 2 जीरो आगे बढ़ा देना, अगले 7 महीने का 1300, 7 गुना 1300, 13 सत्ते कितना होता है 91, 2 जीरो बढ़ा देना। तो उसकी हर महीने की औसत आय ज्ञात करें, यदि वो साल में 2900 रुपये बचाता है, 2920 में ऐड कर देंगे, सभी को जोड़ देंगे, 12 से भाग कर देंगे, ये कितना जाएगा जब जोड़ोगे 0, 0 9 10 की 80 लगाए 9 1 10 6 16 17 18, कितना आया बच्चों 18000 आया, बटे 12 करो 12 कम 12 12 5 60, कितना आएगा 1500, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1500। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इसको मैं आपको दोनों तरीके से सोल्व कराऊंगा, एक ट्रिक के अप्रोच भी और एक एक्स के अकॉर्डिंग भी। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, खाना खाने के लिए 6 आदमी एक होटल में गए, उनमें से 5 ने अपने अपने भोजन पर 32 रुपये खर्च किए, 5 गुना 32, 5 या 15 150, 5 गुना 10 160 रुपये खर्च किए, जबकि छठे ने सभी 6 के औसत खर्च से 80 रुपये अधिक करे, 160 तो खर्च हुए प्लस 80 और करे, ठीक है जी, 80 और 160 की सॉरी 160 और 80 कितने होते बच्चों
आरतिया 24, 240 छठे ने उसे 80 रुपये खर्च किए। बताइए कि सभी के कुल कितनी राशि खर्च हुई भाई, 240 गुना छः, पहले कितने थे 5, 5 सका तो 5 चौक 20, 5 8 40, 48 छीका, 6 5 30, 3 2 6 2 12, 300 में से 12 घटा देने, 288 आपका राइट आंसर, 288 ऑप्शन नंबर थर्ड। एक्स से कैसे सोल्व करना था बच्चों इसको, एक्स से जैसे जैसे कंडीशन कह रहा, मान लिया एक्स थे एक्स माइनस 5 गुना 32 रुपये करे थे उन्होंने, बराबर जो एक्स और जो छठा था ना ये, इन्हें प्लस 80 करे खर्च करे थे, क्लियर है जी। अब यहाँ से सोल्व कैसे करेंगे, एक्स माइनस एक्स बटे 6 बराबर कितना हो जाएगा 160 प्लस 80, 5x/6 बराबर कितना हो जाएगा 240, देखो वही कंडीशन नहीं आ गई क्या, 240 गुना 6/5, राइट आंसर 288 आएगा, चाहे जैसे मर्जी कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6, 9 व्यक्ति एक होटल में भोजन के लिए गए, उनमें से 8 में से प्रत्येक ने भोजन पर 12 रुपये खर्च किए, 12 रुपये खर्च किए, 8 थे 8 गुना 12, 12 8 96, क्लियर है जी। जबकि 9वें व्यक्ति ने सभी 9 व्यक्तियों के औसत वैसे 8 रुपये अधिक खर्च करे, प्लस 8 96 और 8 कितने होते हैं 104, ठीक है जी, 104 गुना कितने थे पहले व्यक्ति, 9 व्यक्ति थे 8 व्यक्ति थे बटे 9 गुना 9/8, 8 एकम 8, 8 24 13, 13 नंबर कितने होते बच्चों, 9 27 का 7 कैसे लेके 2, 9 एकम 9, 2 11, 117 राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। दो क्वेश्चन इसलिए करवाए, ये वाला पैटर्न आपको समझ में आ जाना चाहिए, चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, बात एक ही है, क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने। क्वेश्चन नंबर 7, एक छात्रावास में 35 विद्यार्थी है, जबकि यदि 7 और विद्यार्थी छात्रावास में शामिल होते हैं तो कुल व्यय 42 रुपये बढ़ जाता है, लेकिन 35 विद्यार्थियों के लिए औसत व्यय 1 रुपये घट जाता है, कुल मूल रूप से कुल कितना व्यय हुआ है यह आपको ज्ञात करना है, क्लियर है बच्चों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यदि क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में आपके सामने आ जाता है तो क्वेश्चन क्या होता है बच्चों, गलत होने के चांस ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि इसमें आपको ये नहीं पता चल पाता कि क्वेश्चन स्टार्ट आपको कहाँ से करना है और कैसे इसको सोल्व करेंगे, जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे करते चलेंगे, क्वेश्चन का आंसर हमारे सामने होगा, क्लियर है जी, कोई टेंशन नहीं लेनी, डायरेक्ट आंसर देंगे। देखिएगा कैसे कहते हैं, यदि 7 और विद्यार्थी छात्रावास में शामिल होते हैं तो कुल व्यय 42 रुपये बढ़ जाते हैं बच्चों, पहले x मान लिया, सपोज करो x ही सोल्व करेंगे, इसे कंजप्शन नहीं लगने का इसमें, x बटे 35 बराबर, फिर अगली कंडीशन क्या दे रहा है, x में 42 रुपये बढ़ जाते हैं और जो 42 होंगे 35 7 कितने होते हैं 35 5 40 2 42 बराबर 1 रुपये औसत में घट जाता है, डिफरेंस 1 का होगा, क्लियर है। यहाँ तक जब सोल्व करेंगे बच्चों, 6x - 5x - 210 बटे कितना हो जाएगा 210 बराबर 1 के, या फिर इसे कैसे लिख सकते हैं आप, या फिर ऐसे कर सकते हैं 6x - 5x - 210 बराबर 210, x - 210 बराबर 210, x बराबर 210 कितने होते हैं 420 रुपये खर्च होंगे ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 8, एक गिफ्ट बॉक्स में 10 चूड़ियाँ हैं, कितनी चूड़ियाँ जी 10 चूड़ियाँ हैं, पहली चार का औसत 74 ग्राम है, 74 नहीं, पहली चार का औसत 74 ग्राम है बिल्कुल, और बाकी 6 का 75 ग्राम है, जैसे जैसे कह रहा है 4 का 74 है, देखो कुछ नहीं करना, 4 पहली 4 गुना 74 प्लस बची कितनी 6, 6 का 75 बटे 6 4 10 बस जोड़ का जो आएगा 10 से भाग कर देना आंसर होगा, 7 चौक 28 280, 4 चौक 16, 280 और 16, 294 प्लस 6 6 42, 420, 6 5 30, 420 450 बटे 10, ये कितना हो जाएगा 740, 740 बटे 10, 74.6 राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 भी देखो सेम क्वेश्चन है, डायरेक्ट सोल्व करेंगे, एक उपहार में 10 छल्ले थे, पहले 4 छल्लों का 145, 4 गुना 45 प्लस लास्ट के 6 का कितना होगा बच्चों 46 दे रहा है, 6 गुना 46 गुना कैसे करेंगे बटे 10, 4 चौक 16, 160, 5 चौक 20, 180 प्लस 6 चौक 24, 6 चौक 24, 240, 6 6 36, 240 और 36 कितने होते हैं 276, कहने का तात्पर्य मेरा है जब 6 की गुना आप 46 में करोगे 276 आएगा बटे 10, जब 276 को आप क्या करोगे 180 में जोड़ोगे ऐड कर दोगे
या आपका कितना आएगा 456/10, 10 से भाग करोगे 45.6 आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10, एक उपहार बॉक्स में 10 चूड़ियाँ थी, इसमें ये भी सेम ऐसे ही होगा बच्चों, चार चूड़ी का कितना है 47, 4×47 प्लस 6×48 बटे 10, समय नहीं लगाना है, ये हो जाएगा 296, ये 296 नहीं बच्चों, 4×16 7×28, 160 और 28 कितने होते हैं 100, 4×16 160, 7×28 160 और 28 188 प्लस 6×24 240, 8×48 288 बटे 10, जब इन्हें जोड़ेंगे 476/10 राइट आंसर होगा 47.6। एक टाइप के दो इसलिए करा रहा हूँ बच्चों में, जिससे कि आपकी कमांड अच्छी हो जाए कैलकुलेशन पर, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 11, तीन संख्याओं का माध्य 21 है, उन संख्याओं की रेंज 12 है और सबसे छोटी दो संख्याओं के बीच अंतर 3 है, तीनों संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या एक्स एक्स प्लस 3 प्लस एक्स प्लस 12 बराबर क्या कह रहा है 21, माध्य है 21×3 कितना जी, ये कितना हो जाएगा 3x बराबर कितना हो जाएगा बच्चे 21×63 − 15 बराबर 48, x बराबर 16×3 = 48 16, x बराबर 16 तो x प्लस 12, 16 + 12 बराबर 28। कैसा क्वेश्चन लगा बच्चों, बहुत आसान था, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 12, एक कक्षा में 24 लड़के, जैसा जैसा कहना ऐसा करते चलेंगे, 24 लड़के इसमें एलिगेशन लगा देंगे हम, एक लड़का बच्चों जब तीन औसत देते हैं ना, पहला औसत दूसरा औसत मध्य औसत, संख्या पूछे एलिगेशन डायरेक्ट लगाकर आंसर छोड़ना। देखिएगा, एक कक्षा में 24 लड़के और लड़कियां थी, एक टेस्ट में लड़कों द्वारा प्राप्त औसत 15 था, बॉय ने 15 प्राप्त करी, जबकि लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत 17 था, गर्ल्स ने 17 करी, और जब औसत मिडिल दे देना बीच वाला दे दे मतलब मध्य का, तब आप एलिगेशन लगा सकते हैं, यदि कुल औसत 15.8 है तो एलिगेशन लगा दो, बस संख्या निकल जाएगी भाई, 15-17 में से 15.8 जाकर कितने बचते हैं 1.2, ये 0.8, ये पॉइंट हटा देंगे, पॉइंट हटा देंगे 12 8, 8 और 12 3 और 4 3 12 3 4 2 8 2, क्लियर आ जाएगा बच्चों, 1 2 आ जाएगा, 1 आपका कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। पूछा गया कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या, 5 लड़के थे आपके 24, लड़कों का आया आपका 3, 8 + 24 तो 1 का 8 आया, 8×5 = 40, कुल 40 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 13, 4 और 64 का अनुपातिक औसत कितना होगा, 4 और 64 का कितना होगा बच्चों, भाई ऐसे तो लिखते हैं मध्य अनुपात, तृतीय अनुपात, चतुर्थ अनुपात निकालते हैं, 4 जो नहीं होता x समानुपात, फिर x फिर अनुपात 64, सोल्व कर लेंगे, ये 4/x बराबर x/64, ये एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 4×64, एक्स बराबर कितना हो जाएगा 4×64 अंडर रूट में आ जाएगा, ये कितना होता है 2² × 8² अंडर रूट में, ये कितना हो जाएगा 2×8 = 16, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14, 510 रुपये की 30 कलम और 75 पेंसिल खरीदी गई, क्लियर है जी, यदि एक पेंसिल का औसत मूल्य 2 रुपये है तो कलम का औसत मूल्य कितना होगा, 510 रुपये की बात हो रही थी बच्चों, 30 कलम खरीदी, 30 पेन प्लस 75 रुपये की पेंसिल खरीदी, 75 रुपये की पेंसिल थी, 75 पेंसिल खरीदी, इसे पेंसिल को कलम को के लिख देता हूँ, पेंसिल को के लिख देता हूँ, क्लियर है जी, पेंसिल का औसत मूल्य 2 रुपये था, 2 बराबर 510, डायरेक्ट जोड़ दो बस, घटा दो, 30K प्लस 150 बराबर 510, 30K बराबर 510 में से घटा देना उसका मूल्य 150 बराबर 360, या 360 किसका आया, के का ही आया, के क्या थी बच्चों हमारी कलम, 30/360 कटेंगे 12×36 12 रुपये, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 15, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी का औसत अंक 63 था, कितना था बच्चों, एक विद्यार्थी का औसत अंक 63 था, यदि उसने भूगोल में 20 और इतिहास में 2 अधिक अंक लाया होता तो उसकी औसत 65 हो जाता, परीक्षा में कुल कितने प्रश्न पत्र थे, एक परीक्षा बच्चों अंकों में वृद्धि कितनी हुई बच्चों 20 और 2 = 22 की हुई, औसत में कितनी हुई बच्चों, औसत में 63 से 65 ये 2 की हुई, 22/2 11 राइट आंसर, कितना बेहतरीन तो ट्रिक थी बच्चों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 16,
सप्ताह के पहले चार दिनों को औसत 39 है, 4 × 39, 4 × 16 160 में से 4 घटा देना 156, पूरे सप्ताह का औसत 40 है, 7 × 28 280 बैठता है पूरे सप्ताह का, 280 में से 156 घटाओ कितना बचा आपका, 280 में से 156 124, ये 124 कितने दिन का बच्चों, 3 का, 3 से काट देना उसको, 3 किया 3 × 12 3 × 3.3 41.3 राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 17, द छात्रों की एक कक्षा में छात्रों का औसत 105 है, 10 × 105 डायरेक्ट गुना करते चले बस, ये कितना हो जाएगा 1050। अगर 120 सेंटीमीटर औसत वाले 20 और छात्र इस कक्षा में शामिल हो जाए, बच्चों ये कितना था हमारा 105 था, 10 का 20 और शामिल हो जाए, 20 × 120 ये हो जाएगा 2400। तो कक्षा में छात्रों की नई औसत क्या होगी, 2400 में ये जोड़ देना 3450, छात्रों के 30 से काटेंगे 115 राइट आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 18, किसी कक्षा में 50 लड़के हैं, इनका औसत 45 है, गुना करते चले बस, 50 × 45 ये हो जाएगा आपका 2250। जब एक लड़का कक्षा छोड़ता है तो औसत 100 ग्राम कम हो जाता है, एक लड़का ने छोड़ा स्टूडेंट रहे 49 × 45 से 100 ग्राम कम कर दो 44.9, जब इसकी गुना करेंगे ये हो जाएगा 2200.1, तो बस इसमें से घटा देना, जब घटाओगे 49.9 राइट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 19, एक विद्यालय में 1 से 5वीं तक की कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 36 में विद्यार्थियों को 36 सभी को जोड़कर भाग कर दो जितनी संख्या होगी, 36 + 34 + 28 + 33 + 39/5 सभी को जोड़ोगे 170 आएगा, बटे 5 करेंगे 34 राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 20, 40 की कक्षा में गणित की औसत 45, 30 लड़कों का औसत 50, लड़कियों द्वारा प्राप्त अंकों को बताने हैं, बच्चे 40 का कितना कहा 45 माइनस 30 लड़कों का 50, जो 40 कुल है 30 आपके लड़के, लड़कियां तो 10 ही बैठेगी, बटे 40 माइनस 30 कर दो 10 लिख दो क्या, बिल्कुल लिख दो मास्टर जी, 1180 − 1500 / 10 300/10 30 आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21, 8 व्यक्तियों का औसत 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब उनमें किस व्यक्ति जिसका भार 65 वर्ष था के स्थान पर नया व्यक्ति है, बच्चों 65 तो लेकर ही आया होगा अपने साथ और ज़्यादा वजन का होगा जिससे 1.5 बढ़ा, 8 व्यक्तियों में 1.5 बढ़ा, 8 × 1 = 8 और 4 = 12 कुल 12 बढ़ा, 65 का गया था, 65 एक्स्ट्रा लेकर आया, वो कितना होगा 77 राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, ए बी सी का औसत 45 किलोग्राम है, ए बी सी का औसत कितना किलोग्राम है बच्चों, 45 × 3 = कितने होते हैं, 4 × 12 = 15 135, ए बी का औसत 40 है, 40 × 2 = 80, बी सी का औसत 43 है, 43 × 2 = 86, कैसे सोल्व करेंगे, 135 में से 80 घटा देना बचा आपका 55, कितना बचा बच्चों 55, क्लियर है जी, ये आपका 43 × 86 हुआ था, ये 135 में से आप एक बार 80 घटाया था पहले, अब 86 घटा देना कितना बचा 49, अब 135 में से आप 55 घटा देना 49 और माइनस 49 घटा देना तो उसका लास्ट वाले का बी का निकल जाएगा 39 ही बच्चों, लेकिन 135 क्या होगा बच्चों, जब आप 135 में से कितने घटाओगे 55, कितना बचेगा 80, 80 में 13 80 में से 49 घटाओगे, 80 − 49 = 31 आपका राइट आंसर होगा, 39 ही 31 ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 23, प्रथम तीन दिन का औसत तापमान 27 है, 3 का कितना है बच्चों 27, फर्स्ट 3 दिन का 27 है, अगले 3 दिन का 29 है, अगले 3 दिन का कितना है बच्चों 29 है, पूरे सप्ताह का 28.5 है, 28.5 पूरे सप्ताह का है, तो क्या करेंगे बच्चों 28.5 की गुणा कर देना साथ में, देखो डायरेक्टली लिखेंगे 28.5 की दिन लिखेंगे 7 दिन हो सकता है माइनस 3, इन दोनों को जोड़ दो या 3 × 27 में कर दो फिर 3 × 29 में कर दो, जोड़ कर घटा देना तब भी राइट आंसर आएगा 27 + 29, जब इसको गुना करके आप घटाओगे 31.5 आपका राइट आंसर होगा, 31 ऑप्शन नंबर फर्स्ट।
क्वेश्चन नंबर 24, चौथी छात्रों की एक कक्षा में औसत भार 46.5 किलोग्राम है, कितने बच्चे थे बच्चों? 34, 34 गुना 46.5 गुना करेंगे जब 1581 आएगा। यदि अध्यापक के भार को भी मिला लिया जाए तो औसत 500 ग्राम बढ़ जाता है, 34 की जगह अध्यापक आया 35 हुए गुना, वजन बढ़ रहा 500 ग्राम, पहले 46.5 था अब 47 किलो होगा, बराबर कितना हो जाएगा 1645 में तो 1581 घटा देना, कितना आएगा 64, मास्टर की उम्र 64 साल, ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, सोमवार से गुरुवार तक का औसत तापमान 48 है, सोम मंगल बुध बृहस्पति चार दिन बैठते हैं, 4 × 48 बराबर 192, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र अगले चार दिन का कितना है बच्चों? 52 है, 5 × 2 = 4 × 8 = 208, सोमवार का 42 दिया है, अब क्या करना है बच्चों? कुल लास्ट के 208 थे, मैं से 192 घटा देना और 42 जोड़ देना, ये 150 बचे, एक ये माइनस, ठीक है जी, जब इसको सोल्व करोगे 58 आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट होगा। यदि क्लास आपको अच्छी लगी तो बच्चों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।